अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन सिंह जाधव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है और मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ तक आपने कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इस क्वेश्चन से आगे समथिंग एक या दो वीडियो में और कंप्लीट कैलेंडर हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप इस चैप्टर को लगातार करते रहिए और देखते रहिए वीडियो। अगर अच्छा लगा, कंटेंट समझ में आया, जहाँ तक मुझे लगता है कंटेंट आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे भी फॉलो कीजिए, जैसे कि हमें भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। आप बेसिक से बेची आपको यहाँ से मिलेंगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट पर जरूर लिख दीजिए कहाँ सर ये इसका मीन्स क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कमेंट हम आपको सॉल्यूशन के अनुसार हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विजय शर्मा 3 मार्च 1960 को पैदा हुए थे। विजय शर्मा है आपके, विजय शर्मा 3 मार्च 1960 को, विजय शर्मा का 3 मार्च 1960 को जन्म हुआ था। तो नारायण शर्मा विजय शर्मा से 6 दिन पहले हो गया था। नारायण शर्मा का कब हुआ था, नारायण शर्मा का जन्म, नारायण शर्मा का जन्म इनसे 6 दिन पहले हो गया था, 6 दिन पहले पहले हुआ, ठीक। और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस समझते आप, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हमारा कब मनाता, कब मनाता, रविवार को, जब हमारा गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया था। तो बताइए कि राम नारायण का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। नारायण शर्मा का जन्म किस दिन हुआ था बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए बताते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं विजय शर्मा का जन्म 3 मार्च 1960 में हुआ था, 6 दिन पहले। नारायण शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो डेट निकालते हैं 3 मार्च 1960, ये दिख रहा है आपको 1960, इससे पता चलता है ये लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। इससे अगला माना अगले वाला जो मंथ आएगा ना, फरवरी का 29 डे का हुआ, किसका 29 का। तो ये समझ जाइए कि जब तीन इसमें से डे घटा देंगे हम, ठीक है, तीन इसमें से डे घटा देंगे और तीन वो घटेंगे जो 29, 28, 27 जो। तो नारायण शर्मा का जन्म कब हुआ था, 26 फरवरी को, कब हुआ था, 26 फरवरी को, 26 फरवरी को होगा ना, क्योंकि 3 मार्च को तो विजय शर्मा का जन्म हुआ है और 6 दिन पहले नारायण शर्मा का जन्म हुआ है। तो 6 दिन पहले का मतलब इससे 1 दिन पहले यहाँ जाएंगे 2 तारीख, इससे 1 दिन पहले यहाँ आएंगे 1 तारीख, फिर 29, ठीक है, 29, 29 के बाद 28, 27, 26, देखिए 6 दिन हो रहे हैं, 1, 2, 3, ये हो गया 6 दिन, कितना हो गया, थोड़ा और अच्छी तरह साफ करके लिख रहा हूँ। 1 दिन पहले जाएंगे 2 तारीख, 1 तारीख, 29 तारीख, ठीक है, फिर 28, 27, 26 तारीख, कितने दिन हो गए, 6 दिन पहले। तो 6 का मतलब हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए कि नारायण शर्मा का जन्म 26 फरवरी 1960 को हुआ, 26 फरवरी 1960 को हुआ। अब हमारा दिन देखते, दिन कब, किस दिन इनका जन्म हुआ था, तो 26 जनवरी को हमारा क्या है, रविवार, तो 26 फरवरी को क्या दे हुआ, अब निकाल सकते हैं आप।
क्या होगा बताइए। ऐसा नहीं होगा, बता रहा हूँ। जनवरी में कितने मंथ होता है? 31। 26 हटाएंगे, 5 बचेंगे हमारे। और फरवरी के तो पूरे पूरे लेंगे 26। 7 से ऐड कर दो, कितना आया ये 31। 3। और हमारा 26 जनवरी को रविवार है, तो रविवार हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। देखिए, अभी किसी बच्चे ने बोला था मुझसे कि रविवार का सोमवार हो गया, क्योंकि 26 जनवरी से 26 फरवरी तक आ रहे हैं, एक दिन बढ़ा रहा था। वो कंटेंट होता है ईयर्स में, जब भी लास्ट का मंथ होता है, फर्स्ट और लास्ट का मंथ देखते हैं ईयर का, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। पर लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा, इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ का जो शेष दिन लेने पड़ेंगे और जो यहाँ पर कंप्लीट डे दिए उनको ऐड करने का, और डे निकालने पर और डे से आपका निकलेगा डे। क्लियर? चलिए एक बार भैया इसको देख बताएं कि विजय शर्मा 3 मार्च 1960 का जन्म हुआ था, तो 6 दिन पहले नारायण शर्मा का हुआ था। 6 दिन पहले मतलब 26 तारीख को हुआ था नारायण शर्मा का जन्म, 26 फरवरी 1960 को। 26 जनवरी को रविवार था, तो बताइए कि 26 फरवरी को क्या दिन हुआ? तो जनवरी के मंथ में 31 दिन होते हैं, 26 हटा दिए तो 5 दिन बचे, और 26 फरवरी में 26 लिखे आएंगे क्योंकि लास्ट मंथ है इसका, तो दोनों को ऐड कर 31, 7 के डिवाइड 3 और डे, 3 और डे हमने रविवार में जोड़ दिए बुधवार। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रिया रविवार को, अगला क्वेश्चन आपके लिए नोट करें। अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1960 को पैदा हुई थी। अनुप्रिया रविवार 1970 को पैदा हुई थी। अनुप्रिया का जन्म कब हुआ था? 1970 में 28 नवंबर को रविवार का दिन था, ठीक। आगे बताइए उसकी अगली वर्षगांठ मतलब वर्षगांठ, हाँ जो भी है, नेक्स्ट जन्मदिन मान सकते हैं आप, कब आएगी? क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं। अनुप्रिया का जन्म 28 नवंबर 1970 को हुआ था, 28 नवंबर को किस दिन, क्या दिन था? रविवार था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुप्रिया का अगली वर्षगांठ मतलब अगला रविवार 28 नवंबर को ही किस ईयर में पड़ेगा, किस सन में पड़ेगा? तो बताइए, आपके पास है 30 सेकंड, समय स्टार्ट होता है अब। बताइए, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम। 28 नवंबर 1970 को क्या है? रविवार। देखते हैं अब रविवार किस ईयर पड़ेगा, इसमें ये ईयर्स हैं। 1971 में क्या दिन होगा बताइए? 1971 में क्या दिन होगा? सोमवार, एक दिन बढ़ेगा। ये लीप ईयर कहाँ है? ये भी लीप ईयर है? नहीं है, ध्यान दो थोड़ा। जो लीप ईयर नहीं होता उसमें एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर होता है उसमें दो दिन बढ़ते हैं। ये बताइए यहाँ पर कितने दिन बढ़ेंगे? यहाँ बनेंगे 2, 72, ये 4 से डिवाइड होंगे 18 टाइम, ठीक है। 2 बढ़ेंगे तो मंगल बुध, सोमवार के बाद मंगल बुध, क्या आएगा यहाँ? बुधवार, ठीक है। यहाँ पर एक दिन बढ़ेगा गुरुवार, यहाँ पर एक दिन शुक्रवार,
ठीक, यहाँ पर एक दिन शनिवार, यहाँ कितने बढ़ेंगे, दो, दो मतलब सोमवार, रविवार और सोमवार। बट अब एक चीज़ देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ईयर में तो कोई चेंजिंग नहीं है, ईयर तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमारा रविवार छुप गया है, तो इसका मतलब ये हम रविवार छुप गया है तो हम ये डेट नहीं रखेंगे, आगे और बढ़ेंगे हम। ठीक है, 77, 78, 1979 और 1980, यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, मंगलवार, यहाँ क्या आएगा आपका, बुधवार, दो दिन, वो लीप ईयर नहीं है, वो लीप ईयर नहीं है। और यहाँ से 1979 तक क्या आएगा, गुरुवार, यहाँ बढ़ जाएंगे दो, क्योंकि 28 नवंबर 1989 से 28 नवंबर 1980 फरवरी बीच में आ चुकी, दो दिन बढ़ेंगे, मतलब गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार, क्या आएगा, शनिवार। अब बताइए 1981 क्या आ जाएगा, तो अगली वर्ष का जन्मदिन क्या मने कब मनाएगी, 1981 में, कब मनाएगी, 1981 में। क्लियर हुआ, अनुप्रिया रविवार को जन्मी थी 28 नवंबर को, तो रविवार अगली वर्ष का अगली ईयर कौन सी होगी जब रविवार पड़ेगा, तो यहाँ से हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, या हम ऐसे कर देंगे, एक दिन सीधी बात हम ईद को काउंट कर लेंगे, 1970 से स्टार्टिंग है, एक दिन यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, एक दिन यहाँ बढ़ेगा, एक दिन यहाँ बढ़ेगा, और एक दिन नहीं, बुध सोमवार मंगल बुध, दो दिन बढ़ेंगे यहाँ, दो, एक, एक, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, फिर एक, फिर एक, और फिर यहाँ एक हो गया ना, और उसका इसका भी तो होगा एक, ठीक है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर दो हैं, दो एक, कितना होगा, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, चौदह का मतलब, 14 का मतलब 7 से रिमाइंडर 0, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 0 बनना तो यहीं रविवार आएगा, 0 बनना यहाँ पर तो रविवार वहीं आएगा, अगर एक बनता तो एक ऐड करके मतलब अगली साल आता, दो बनता दो ऐड करके अगली दो साल बाद आता, ये होता है, अगर 0 बनना है तो रविवार हमारा कहाँ बनना है, यहाँ बनना है, 1981 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीरा का अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, मिली सुरभि से 314 दिन बड़ी है, मिली आपकी जो है एक लड़की है, मिली जो सुरभि से बड़ी है, क्या है, बड़ी है, कितनी बड़ी है, 314 दिन मतलब 314 डे, ठीक, कौन बड़ी है, मिली बड़ी है सुरभि से, आगे जबकि श्वेता मिली से 70 सप्ताह बड़ी है, अब मिली से बड़ी है श्वेता, कौन, श्वेता मिली से 370 दिन, 70 सप्ताह, तो बताइए श्वेता का जन्म गुरुवार को हुआ, सुरभि का जन्म किस दिन हुआ, श्वेता का जन्म गुरुवार को हुआ तो सुरभि का जन्म किस दिन हुआ, हुआ किस दिन हुआ, हुआ। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, आपका समय स्टार्ट होता है अब, बताइए चालू कर, ठीक, तो मिली सुरभि से बड़ी होगी, श्वेता का जन्म गुरुवार को हुआ, सुरभि का जन्म बताना किस दिन हुआ था, तो जब श्वेता मिली से 70 सप्ताह बड़ी है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन निकालने के लिए इसका 7 का मल्टीपल तक 490 दिन, कितने, 490 दिन, ठीक है, 490 दिन बड़ी होगी श्वेता मिली से, ठीक, अब हमें निकालना है सुरभि का जन्म किस दिन हुआ था, तो बताइए 490 दिन इससे बड़ी है और 314 दिन इससे ये बड़ी है, दोनों को ऐड कर लें, 314
एंड 490, ऐड करो 4, 10, 8, कितना आ गया 804, 804 आ गया। अब इसमें क्या ऑड डे निकालेंगे, हमारे ऑड डे का मैंने विषम दिन बताया था, जो भी हमारा नंबर निकले, कुल संख्या निकले, उसमें 7 का डिवाइड दे देते, भाग देते हैं, जो हमारे शेष पर निकलता है वो ऑड डे होता है, विषम संख्या होता है, 7 का भाग देंगे कितना कितना में निकलेगा, 7 का भाग देने पर कितना आएगा, 7 × 7 = 0, 6 आएगा, और 7 × 7 = 3, 4, 7 × 28 = 6, कितना आएगा 6 आएगा। अब बताइए 6 आएगा तो क्या करेंगे हम, 6 क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, ये बताओ, हैं माइनस करेंगे किसमें, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो गुरुवार में से कितना आया, माइनस करो, सीधी बात है, अगर 7 ऐड करेंगे तो वही आता है गुरुवार ही, 7 कम करेंगे तो वही आएगा, तो 1 कम करते 1 घटा के आएगा, क्या आएगा शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, यदि 15 अगस्त 1987 को शनिवार था, यदि 15 अगस्त 1987 को शनिवार था तो बताओ 26 जनवरी 1989 को क्या दिन होगा, 26 जनवरी 1989 को क्या दिन होगा, आपको मिलते हैं 30 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब, निकालिए। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ईयर्स में अंतर देख लो उस टाइप से कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि जब 15 अगस्त 1987 को शनिवार है तो 15 अगस्त 1988 को 2 दिन बढ़ जाएंगे, लीप ईयर हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोमवार, ओके। अब हम देखेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त सिर्फ 6 मंथ का डिफरेंट है, तो मैंने बोला था यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले अगस्त लेंगे, अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, 15 घटे कितने दिन बचे 16, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी 26 आ गया, एक जनवरी नेक्स्ट ईयर आ गया, जब भी जनवरी 1989, आप कर दो इसमें भाग, 7 का भाग दे दो, या फिर आप टोटल ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड करने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर, पता नहीं क्या आएगा, मैंने तो ऐड किया नहीं है, मैं सिंपल है, मैं तो सिर्फ इनको काटता हूँ, क्या करता हूँ काटता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और डे निकालता हूँ, और डे का मतलब 7 × 2 = 14, 2 बचा, 7 × 7 = 28, 2 यहाँ बचा, 7 × 28 = 3 यहाँ बचा, और 2 यहाँ बचा, और 3 यहाँ बचा, और ये 5, 7 × 21 यहाँ बचा 5, ठीक है। इसको भी मैं ऐड नहीं करूँगा, इसको भी क्या करेंगे हम, आप चाहो तो ऐड कर लो, मैं नहीं करूँगा, मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये 5 हमें यहाँ दिख रहे हैं, 2 हमें यहाँ दिख रहे हैं, हमारा बन गया 7, या 7 बनेगा, 7 से पूरा कटेगा 7, और भी बनना है, देखो और भी बनना है, 1 ये 7, 2 और 2 4 और ये 3 7, ये कट गए तो हमारा कितना बचा रिमाइंडर 3, कितना रिमाइंडर बचा 3, ये हमारा बचा ऑड डे। अब बताइए ऑड डे हमारा यहाँ कितना आया था सोमवार, और सोमवार में अगर 3 ऐड कर दूँ तो कितना बनेगा मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लिखिए 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो, 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो 31 दिसंबर 2003 को क्या दिन होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया होगा जब भी नॉर्मल ईयर होते हैं और जिसका नॉर्मल ईयर का जो जनवरी का पहला दिन और नॉर्मल ईयर का दिसंबर का लास्ट वाला दिन सेम होता है,
क्या होता है? सेम बुधवार। ओके, अगला क्वेश्चन आपके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो, 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? बंद करना। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा? ये देखिए, 1 जनवरी 2003 को क्या है? बुधवार। 1 जनवरी 2003 से 2004 में जाएंगे हम, 2003 से 2004 में जाएंगे, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे। 2004 तो लीप ईयर है, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो 1 जनवरी 2004 को हमारा दिन होगा गुरुवार। और गुरुवार क्यों होगा ये मैं बताता हूँ। गुरुवार इसलिए होगा क्योंकि भाई 1 जनवरी में आ रहे हैं, ना कि फरवरी इनमें इंक्लूड हुई है। फरवरी इंक्लूड हो जाती तो हमारे 2 दिनों एक्स्ट्रा बढ़ते, इसमें फरवरी नहीं, सिर्फ जनवरी से जनवरी में, तो हमारा 1 दिन ऐड होगा बुधवार से गुरुवार। अगर 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक होता तो सेम होता, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था पहले वाला वही यही था, 1 दिन बढ़ जाएगा। अब जब 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2004 को जाना है, अब हमारा जनवरी के बाद फरवरी आता है और फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 में हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, तो 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्लियर? क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सत्रह मई 2003 को रविवार हो तो 26 अक्टूबर 2004 को क्या दिन होगा? 17 मई 2003 को रविवार हो तो 26 अक्टूबर 2004 को क्या दिन होगा? आपका समय शुरू होता है अब, निकालिए। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये बिना उसका कोड का होगा, सिंपल बात है। तो 17 मई 2003 को क्या दिन होगा? मंगलवार। मंगलवार होगा ना, कैसे? क्योंकि 17 मई 2003 है और 17 मई 2003 से 2004 में जाने के लिए फरवरी इंक्लूड हो रहा है, तो 2 दिन बढ़ेंगे, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार। अब 17 मई आ गया, अब 17 मई से 26 अक्टूबर तक जाएंगे। 17 मई, मई के मंथ में कितने मंथ डे होते हैं? 31। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हड्डियों पे आ रहा है तो 31। 31 में तो 17 गए, कितने बचे? 14 प्लस जून, जून में कितने? 30। जुलाई 31, 31 अगस्त, अक्टू सितंबर के 30, 31 अक्टूबर के, तो 26 लेंगे इसमें, कितने लेंगे? 26 करो, पूरा कट गया ये, 2 3 5 और डे निकला है। और डे में क्या करेंगे? 5 से 7 बनना है, ये 2 ऐड करके ये कट जाएगा, ठीक है। अब 2 और 3 5 और 3 8 कितना आया? 8। 8 में 7 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा? 1। कितना आएगा? 1। और जो 1 है ना, किसमें ऐड करेंगे? मंगलवार में, क्योंकि रविवार का तो ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने पर 2 4 तक मंगलवार, मंगलवार में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा?
आर यू गेटिंग? चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लिखिए। 4 जून 1983 को शनिवार हो, 4 जून 1983 को शनिवार हो तो 4 मई 1976 को कौन सा दिन होगा? 76 कौन सा दिन होगा? 4 जून 1983 को शनिवार हो, 1983 को क्या हो शनिवार? यस, 1983 को शनिवार हो तो 4 मई 1976 को कौन सा दिन होगा? 4 मई 1976 को कौन सा दिन होगा? ठीक, 4 जून 1983 को शनिवार है, 4 मई 1976 को क्या दिन होगा? देखिए, सबसे पहले हम ईयर्स को माइनस करेंगे, कितने ईयर का डिफरेंट है? 7 ईयर का, 7 साल का डिफरेंट है। अब 7 साल में ये देखेंगे हम आपको कि लीप ईयर कितनी बन रही है एंड नॉर्मल ईयर कितनी बन रही है। तो देखिए, 1976 लीप ईयर है पर लेके 4 मई से स्टार्ट है, हमें आना आगे जून जुलाई अगस्त सितंबर फरवरी तो पीछे निकलेगी, वो लीप ईयर काउंट नहीं होगी। बट अब जो ये क्लियर, 76 के बाद क्या आएगा? 80 का पूरा इंक्लूड रहेगा तो वही लीप ईयर होगी और अन्यथा दूसरी लीप ईयर नहीं होगी। तो एक लीप ईयर है हमारे पास, नॉर्मल ईयर कितनी रहेगी? 6। या आप 7 में ये डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, या आपके जो ऑड डे होते हैं 2 का मल्टीपल 1 का मल्टीपल, यहाँ 6 प्लस का 2 एकम 2 ऐड कर लीजिए, 7 से भाग दे दिए कितना आया? 1। कितना आया? 1। 83 से 76 में जाना है, बैक हो रहा है, तो हमारा क्या आया यहाँ? माइनस। क्लियर हुआ? आगे जून से मई में आ रहा है, ये भी बैक हो रहा है और मई से स्टार्ट करेंगे 4 मई। मई का मतलब है 31 दिन 4 घटा दें कितना बचा? 27। ठीक है, 27। फिर कितना बचा यहाँ पर मई के बाद? जून में कितने? 4 दिन पूरे ले लेंगे, इसमें ऐड करके कितना आएगा ये? 31, 7 से भाग देंगे कितना बनेगा? 3 शेषफल आएगा, कितना आएगा शेषफल? 3। अब ये बताइए प्लस का होगा माइनस का होगा? ये भी तो माइनस का होगा क्योंकि ये जब जून से मई में बैक हो रहे हैं तो माइनस का ये भी होगा, ये माइनस का दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का कितना होगा? 4। और जो माइनस का 4 आया यहाँ पर, माइनस का 3 ये और माइनस का 1 ये, कितना होगा? माइनस का 4। और माइनस का 4 यहाँ, हम माइनस का 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ? मंगलवार। 1 घटाएंगे शुक्रवार, 2 घटाएंगे गुरुवार, 3 घटाएंगे बुधवार और 4 घटाएंगे तो मंगलवार। यही आपका आंसर है। तो आज का सेशन हम यही रोकते हैं, अगला कैलेंडर कल देखेंगे। कल के में अगर आज का अगर आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो उस कमेंट में लिख दें, अपना लिंक भी भेज दें, आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो उसमें लिख के अपना नाम सहित भेज दें ताकि हमारे अग्निपथ अकेडमी का जॉइन हो उसको मैं लिंक भेज दें। आपका धन्यवाद, यहीं तक चलता है।